हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और कल के वीडियो में हमने काफ़ी सारा थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया था, और आज के इस वीडियो में हम जो बाकी पोर्शन है उसको कवर करेंगे। जैसे ट्राइंगल्स पे थोड़ा हम कल थोड़ा ही देखा था, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। फिर एक कॉम्बिनेशन पैटर्न है उसको समझेंगे, ठीक है। देन आई विल कवर लीडिंग डायगनल, एंडिंग डायगनल, उस पर थोड़ा ब्रीफ करूँगा। कल जो हमने देखा उसका थोड़ा यहाँ पर पहले रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको चीज़ें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव्स, जो एलियट वेव की पूरी थियरी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन टू वेव्स। तो इम्पल्स वेव्स कंप्राइज ऑफ फाइव वेव्स, उसमें पाँच वेव होते हैं हमेशा इंटरनल। करेक्टिव वेव्स कौन से होते हैं, जो ए बी सी से लेबल होते हैं, उसमें तीन वेव्स होते हैं, राइट। तो इम्पल्स कौन कौन से हमने देखा कि जब भी इम्पल्स वेव, मतलब बोलूँ तो पांच वेव है उसके अंदर, ऐसा समझने का। जब भी हम बोले कि करेक्टिव वेव है तो उसके अंदर थ्री वेव्स है। तो इम्पल्स कौन कौन से है, 1, 3, 5 एंड C। ए इम्पल्स होता है कभी, और कभी करेक्टिव भी होता है। तो ए इम्पल्स कब होता है, जिगजैग करेक्टिव पैटर्न है उसके अंदर ए इम्पल्स होता है, और फ्लैट होता है उसमें ए क्या होता है, करेक्टिव पैटर्न होता है। समझ गए? नाउ करेक्टिव पैटर्न्स कौन सी है, 2, 4 एंड B, दीज आर ऑलवेज करेक्टिव पैटर्न्स। ए कभी कभी करेक्टिव होता है, कब होता है, फ्लैट करेक्शन के अंदर। तो हमने फिर करेक्टिव जो पैटर्न है वो क्या है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टिव पैटर्न। और मार्केट क्या है कि मार्केट मूव ट्रेंड ओनली 20-30% ऑफ द टाइम, रेस्ट 70-80% ऑफ द टाइम क्या है कि करेक्टिव फेज में ही होता है। तो ये करेक्टिव पैटर्न को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रेड करना, इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग, स्पेशली जब आप नया नया थोड़ा सीखते हो, राइट। तो वो सब चीज़ें हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले देखते हैं ट्राइंगल्स, जो थोड़ा बाकी था। तो ट्राइंगल्स का लेबलिंग ऐसे होता है, ABCDE, राइट। तो आप देखो ल्यूपिन में बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, मैंने इसका चार्ट अभी थोड़े दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, जो मैंने ट्वीट की थी वो। अगर टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो कि यहाँ पे मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको, कि अब ल्यूपिन में क्या था फ्रेंड्स, कि उसने पांच वेव कंप्लीट कर लिए थे, राइट। देखो दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, और यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड है। तो वेव 3 एक्सटेंडेड है तो उसमें भी हमें तीन वेव क्लियर दिख रहे हैं, 1, 2, देन दिस इज 3, दिस इज 4। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल था, आप देखो ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न, और 5। सो ये थर्ड वेव कंप्लीट हुआ यहाँ पर, दिस इज वेव 4th कम्प्लीटेड हियर, और ये 5th वेव यहाँ टर्मिनेट हुआ है। तो पाँच वेव की पैटर्न कम्प्लीट होने के बाद क्या बनता है, ABC करेक्टिव पैटर्न बनती है। यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया है, जिससे क्या है कि आपको, तो अब यहाँ पे ABC बनेगा, तो सबसे पहले A बनेगा, राइट। तो आप देखो यहाँ दिस इज जो करेक्शन था, ये दिस वॉज वेव A, नाउ दिस वॉज अ बाउंस इन वेव B एंड दिस इज वेव C। तो ये वेव C के लिए जा सकते हैं, मैंने फार्मा वीडियो का, फार्मा स्टॉक्स में वेव C का करेक्शन आ सकता है वो बताया था, वो पूरा वीडियो बनाया, आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो अब इसको लेबल करना है तो आप यू कैन लेबल ABCD। मैं क्या है कि चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली एनालाइज करने का रखता हूँ। टेक्स्ट बुक, एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक टाइप का पैटर्न क्या है कि आपको कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, राइट। तो दिस वॉज क्लियरली ए ट्राइंगल। अब देखो मैंने अपडेट भी दिया कि ट्राइंगल ब्रेक होगा तो, और क्या है कि कॉमन सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, यू कैन नॉट ट्रेड एनी पैटर्न ब्लाइंडली। अभी ये ट्रायंगल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्रायंगल इज़ अ वेरी पावरफुल पैटर्न, और दिस इज़ माय मतलब फेवरेट पैटर्न, और इस पर हम एक्सटेंसिवली फोकस करते हैं सिखाने का कि कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो जैसे रिलायंस में भी सिमिलर ट्रायंगल वाज देयर, बट हमने ट्रेड नहीं लिया, व्हाई, बिकॉज वी नो कि ये धोखा देगा। सो दिस इज़ द कॉमन सेंस। देखो रिलायंस में ये ब्रेक डाउन था और रिवर्सल आ गया, तो ये चीज़ होती है, दिस इज़ द कॉमन सेंस। ट्राइंगल के कुछ एग्जाम्पल दिखाने हो मेरे को तो देखो, ये है ग्लेनमार्क का चार्ट, ये मैंने पोस्ट किया था, दिस इज़ नॉट हाइंडसाइड एनालिसिस, ये मैंने लाइव पोस्ट किया था ट्विटर पे। लुक एट दिस मूव फ्रेंड्स, कैसा मूव है। फिर अभी हमने रिसेंटली एक ट्रेड लिया था HCL टेक्नोलॉजी में, दैट वॉज अ ट्राइंगल। अभी मैं आपको बताऊँ HCL टेक्नोलॉजीज का जो हमने ट्रेड लिया था,
एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न था उसमें, देखो यहाँ पर। फिर हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने इंडिया सीमेंट में ट्रेड लिया था, दैट वॉज अ ट्रायंगल, फिर उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था इंडिया सीमेंट हियर। सो ये दिस इज एक्सपांडिंग ट्रायंगल, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, देन एक्सपांडिंग ट्रायंगल। बट क्या है कि हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं बहुत, तो मतलब वो बुक्स में दिया हुआ तो वो बुक इस नॉलेज पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। और देखो ये टारगेट कहाँ हुआ, एग्जैक्ट 1.618 का टारगेट हुआ था यहाँ पर। फिर एक दो ट्रायंगल शायद मुझे ध्यान नहीं अब किस में थे, बट ये हाँ यूएसडी आईएनआर में था एक। और दिस पैटर्न जो होती है इट वर्क्स अक्रॉस एलियट व्यू के प्रिंसिपल, मतलब आप कोई भी असेट में अप्लाई कर सकते हो यूएसडी आईएनआर में। ये भी आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, ये वन डे के चार्ट में ट्रायंगल था। आप देखो दिस वाज अ ट्रायंगल पैटर्न, लुक एट दिस। और आप देखो ये टारगेट कहाँ हुआ है, एग्जैक्ट 1.618। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट व्यू एक्चुअली। तो ट्रायंगल पैटर्न है उसको हम लेबल करते हैं जैसे ए बी सी डी ई मैंने बताया। नाउ हम चलते हैं कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन इज नथिंग फ्रेंड्स बट एक जो जिगजैग या फ्लैट का करेक्शन होता है, वो दो करेक्शन जब बहुत ही लंबा चलता है तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। लाइक मेरे को एग्जांपल देना हो, फॉर एग्जांपल तो कोई भी एक करेक्टिव पैटर्न बनी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं क्या है कि चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखूँगा जिससे क्या है कि कन्फ्यूज़न ना, बिकॉज कॉम्प्लेक्स करेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसको मतलब एक्सप्लेन मैं समझाने जाऊँगा तो आप क्या है कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे ज़्यादा, तो मैं थोड़ा ब्रीफ ही करता हूँ यहाँ पर। जैसे एक करेक्टिव पैटर्न बनी यहाँ पर ए बी सी, फिर क्या होगा कि ये करेक्शन ए बी सी में ख़त्म नहीं होगा, ये करेक्शन शायद लंबा चला, तो क्या होगा फिर कि एक कनेक्टर आएगा, एक्स इज़ अ कनेक्टर, एक्स इज़ नथिंग बट अ कनेक्टर, राइट। तो ऐसे एक शायद मूव आया फॉर एग्जांपल ऐसे, एंड देन वी विल हैव अनदर करेक्टिव पैटर्न लाइक ऐसा मूव आएगा। सो ये क्या हुआ कि दो करेक्शन को कंबाइन करता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ करेक्शन। अब ये दो करेक्शन है यहाँ पर, ऐसे तीन करेक्शन भी हो सकते हैं, उसको भी हम थोड़ा बहुत मैं आई विल थ्रो सम लाइट्स, बट पहले इसको समझ लेते हैं। तो अब जो फर्स्ट करेक्शन है यहाँ पर, दिस फर्स्ट करेक्शन, अगर ये पूरा करेक्शन जिगजैग है ए बी सी जो हमने देखा राइट, वो अगर पूरा जिगजैग करेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि सॉरी एक मिनट में बैकग्राउंड येलो करना है तो क्या कि आपको चीज़ें पता चले। अब ये जो ए बी सी करेक्टिव पैटर्न है इट कैन बी अ जिगजैग और इट कैन बी ए फ्लैट राइट। और अब यहाँ पर जो ए बी सी करेक्शन पैटर्न है हियर, वो भी क्या है कि फ्लैट या कोई भी पैटर्न हो सकता है। अगर ये दोनों जिगजैग हैं देन इट इज नोन एज अ डबल जिगजैग। अगर ये दो पैटर्न अलग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिगजैग है ए बी सी और ये ए बी सी जिगजैग नहीं है बट इट इज़ अ फ्लैट, इट कैन बी आइदर मतलब रनिंग फ्लैट या एक्सपांडेड फ्लैट या रेगुलर फ्लैट, देन इट इज कॉल्ड डबल थ्री, हाँ डबल थ्री राइट। तो दिस इज़ मतलब कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसके कुछ सेटअप्स है जो हम सिखाते हैं बट वी आइडियली अवॉइड। तो उसका लेबलिंग यहाँ पर ऐसे आता ही है, जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ये हो गया, उसको अब लेबल करना है अब डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये पूरा जो करेक्शन होगा उसको हम लेबल करेंगे, जो ए बी सी बनाए डब्ल्यू, एक्स इज़ ए कनेक्टर और इसको हम लेबल करेंगे y। तो दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई एंड x इज नथिंग बट अ कनेक्टर, जैसे मैंने बताया, समझ गए। आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही है, बिकॉज ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन में घुसोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें, दैट्स वाई आई नॉर्मली अवॉइड। अब हम देखते हैं डबल
ट्रिपल जिगजैग। ट्रिपल जिगजैग किसको बोलते हैं अब, तो यहाँ पे मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा। तो दिस इज W X Y, ऐसा करेक्टिव पैटर्न बनेगा। W X Y X Z लाइक दिस। तो ये जो करेक्टिव पैटर्न है, अब उसको ए बी सी से लेबल नहीं करते बट डब्ल्यू एक्स वाई से करते हैं, राइट। वो इसलिए होता है कि जो इंटरनल वेव स्ट्रक्चर होता है वो ए बी सी ही लेबलिंग होता है। तो ये W बनेगा, तो ये W कैसे होगा कि W में फिर होगा आपको ए बी सी। नाउ प्रीवियस जो हमने देखा था दैट वॉज सेवन स्विंग स्ट्रक्चर, दिस इज इलेवन स्विंग स्ट्रक्चर। मैं उस पर आता हूँ तो आपको चीज़ें पता चलेगी। अब ये भी बनेगा तो ए बी सी, देन यहाँ पर हम आएंगे कि एक जेड बनेगा जो दैट विल बी ए बी एंड सी। तो इसको हम W X Y X Z बोलते हैं। द वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्शन, बहुत ही लंबा चलता है। एक ट्रेड हमने रिसेंटली, अभी जैसे मैं बताऊँ तो उसका एक सेटअप है, ये टेक महिंद्रा का बहुत ही रिसेंट ट्रेड है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर। लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न। ये वन आवर के चार्ट में था, जिससे वन आवर करूँगा तो आपको चीज़ें पता चलेगी। तो ये जेड वेव का पूरा ट्रेड आप ले सकते हो। सिमिलरली यू कैन हैव अ ट्रेड ऑफ वेव वाई, वेव वाई को आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर, अगर सिंपल मतलब डब्ल्यू एक्स वाई है तो वो सेटअप है। बट ये क्या है कि बहुत लंबा करेक्शन चलता है। देखो अब क्या है कि ये पैटर्न कैसे अनफोल्ड होगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आपको बहुत वेट करना पड़ता है। दैट्स वाई वी ट्राई टू अवॉइड। आप देखो W दिस ए बी सी कंप्लीट करके W बना है, यहाँ पे ए बी सी बना है, दिस X, X इज अ कनेक्टर, X इज नथिंग बट अ कनेक्टर, राइट। ये दिस इज अ 11 स्विंग स्ट्रक्चर। ऐसे क्यों बोलते हैं कि आप देखो ए बी सी 3, ए बी सी 3, राइट, फिर X आया तो 3 3 6 7, देन यहाँ पर 8 और ए बी सी, मतलब 8 और 3 11 हो गए, ठीक है। और जो पहले हमने देखा था W X Y, ये जो पैटर्न है W X Y, दिस इज अ 7 स्विंग स्ट्रक्चर। X का जो होता है उसको एक ही गिनते हैं, W का A B C बनेगा, Y का A B C बनेगा, तो 3 3 6, और X को हम सिर्फ एक ही गिनते हैं, समझ गए। तो दिस इज अ 7 स्विंग स्ट्रक्चर, वो 11 स्विंग स्ट्रक्चर है। इस पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जिससे क्या कि चीज़ें कन्फ्यूज, बट आपको देखना हो तो दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ टेक महिंद्रा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीडिंग डायगनल, एंडिंग डायगनल। लीडिंग डायगनल और एंडिंग डायगनल आर नोन एज मोटिव वेव्स, और ये पैटर्न्स बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। एंडिंग डायगनल जैसे मैंने बताया कि उसको आप फॉलिंग वेज भी बोल सकते हो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, और लीडिंग डायगनल जो होता है वो एक राइजिंग वेज की तरह होता है। लीडिंग डायगनल जो होता है वो हमें वेव ए और वेव वन में मिलता है, राइट। और एंडिंग डायगनल होता है दैट इज वेव सी और वेव फाइव में आता है, इतना समझना जरूरी है। और कुछ अब क्या है कि 5 3 5 3 5, मतलब कि अंदर के जो वेव हो गए लीडिंग डायगनल में, 1 2 3 4 5 करके जो वेव बनेंगे, तो उसका इम्पल्स करेक्शन भी हो सकता है, या तो फिर वो क्या हो सकता है ABC ABC ABC, तो इट्स ए 3 3 3 स्ट्रक्चर, समझ गए। एंडिंग डायगनल क्या है कि इट इज़ ऑलवेज लाइक गाइडलाइन है मतलब ये, बट प्रैक्टिकली क्या है कि टेक्स्ट बुक टाइप का आपको ना भी मिले। जैसे लीडिंग डायगनल का मैं एग्जांपल दूँ, अभी हमने रिसेंटली जो बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था और यहाँ पर करीबन 3000 पॉइंट की रैली आई थी, तो लीडिंग डायगनल क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, और मैं आपको एक दो एग्जांपल उसके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें पता चलेगी। और ये जब डेवलप हो रहा होता है तब क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है इनिशियली, बट देर इज़ अ मेथड एज आई हैव टू। आप देखो दिस वॉज अ लीडिंग डायगनल, और लीडिंग डायगनल के बाद जब ए बी सी ऐसे बनता है यू कैन हैव एक्सप्लोजिव मूव। सिमिलरली अभी एक ट्रेड था हमारे एक स्टूडेंट ने लिया था दैट आई विल शो यू, गोदरेज इंडस्ट्री, एंड आपको
देख के ऐसा लगेगा कि मतलब कैसी चीज़ है, दिस इज अ वेरी पावरफुल पैटर्न फ्रेंड। ये देखो दिस वॉज अ लीडिंग डायगनल, इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको पता चलेगा, दिस वॉज अ लीडिंग डायगनल। आप देखो दिस अ लीडिंग डायगनल पैटर्न, थोड़ा गूगल करोगे तो चीज़ें पता चल जाएगी। तो लीडिंग डायगनल दिस इज वेव ए, या इसको वन भी बोल सकते हो, दिस इज वेव टू। और आप देखो यहाँ पर क्या रैली आई है, कहाँ तक गया, उसके बाद जो मूव आता है ना लीडिंग डायगनल के बाद, दिस इज वेरी पावरफुल मूव। स्टॉक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 244, यस अब देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक यहाँ से। सो दिस इज द पावर ऑफ एलियट वेव। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इट कीप्स यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, उल्टा नहीं करवाता है, प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को थोड़ा कॉमन सेंस के साथ यूज़ कर रहे हो, राइट। अब एंडिंग डायगनल का मैं कुछ एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी में ही था जो चार्ट था उसी में ही, बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी में, उसके बाद जो एंडिंग डायगनल के बाद जो हमने ट्रेड लिया था, दैट वाज अप 2500 पॉइंट्स फ्रेंड्स। जो ये है एंडिंग डायगनल देखो आप, राइट। सो दिस इज एंडिंग डायगनल, पूरा ये एंडिंग डायगनल है यहाँ से, मैंने थोड़ा मतलब छोटा रखा है क्योंकि क्या है कि चीज़ों को प्रैक्टिकल रखने से आसानी रहती है। बस अब देखो यहाँ पे क्या मूव आया है, अभी रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था एक जो ट्रेड था फाइजर का हमने लिया था, दैट वाज एंडिंग डायगनल। वेव फोर कैन बी लाइक फॉलिंग वेव्स की तरह हो सकता है, पूरा वेव फोर। तो अब देखो यहाँ पर लेबलिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ ना बार बार के बी अ पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया तो थियरी थोड़ा बहुत पता है तो देन यू कैन डू वंडर। आप देखो ये वेव आया था जो रियल वर्ल्ड ट्रेड, और हमने अपडेट भी दिया था, और दो ही दिन में आपको शायद वो न्यूज़ आई थी इसके बाद कि 800 रुपीज़ पर शेयर उसने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया था, राइट। फिर कुछ ट्रेड है दैट जो हमने लिए थे, दैट वॉज फाइजर, देन आरती इंडस्ट्री का एक ट्रेड था, इट वॉज अ पावरफुल ट्रेड आरती इंडस्ट्रीज जो हमने लिया था, ट्राइंगल पैटर्न थी इसमें देखो आप, और द थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल जब होता है दिस अमेजिंग पैटर्न। अभी निफ्टी में भी हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव प्रोबेबली वी हैव ए ट्राइंगल, ऐसा लग रहा है अभी जो पैटर्न जो डेवलप हो रही है वो। अब देखो ये अभी उसको मैंने लेबल नहीं किया है, वेव फोर में है, उसका कंफर्मेशन के लिए आई एम वेटिंग, देखते कल अगर गैप अप या होता है तो देन वी विल डिसाइड। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकली समझ में आई होगी। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स।